नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। यातायात पुलिस हनुमानगढ़ के द्वारा आज फिर लगाया वाहनों को चेकिंग करने का नाका। हनुमानगढ़ जंक्शन में यातायात पुलिस ने अनिल चिंदा के नेतृत्व में लगाया गया नाका। जिन वाहन चालकों के द्वारा, मोटरसाइकिल चालकों के द्वारा हेलमेट नहीं पहना हुआ था, मास्क नहीं पहना हुआ था, उनके चालान भी आज काटे गए। 50 से 60 लोगों के चालान आज बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कई वाहन मालिक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पाए गए और कोरोना की हिदायतों का उल्लंघन करते पाए गए। बहाने बनाने में मशहूर हो चुके हैं हनुमानगढ़ के लोग। तरह तरह के बहाने बनाकर यातायात पुलिस से बचने का करते हैं प्रयास, परंतु पुलिस के आगे एक भी नहीं उनकी चलती। कई लोग तो अपनी पहुँच का फ़ायदा उठाते हुए मोबाइल से बात करवाने का, दोस्त जमाने का कार्य भी ऐसे समय पर करते दिखे, परंतु यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने उन्हें समझाते हुए यातायात नियमों की पालना करने की हिदायत उनको दी तथा मोबाइल पर उन्होंने बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि आप मोबाइल पर बात मत करवाएं और यातायात नियमों की पालना करें, क्योंकि जीवन आप सभी के लिए, सभी की जान बचाने के लिए यातायात पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि सभी लोगों को यातायात नियमों का वे पालन करें ताकि उनकी जान बच सके। जान के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता है। यह आज यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने लोगों को समझाइश करते हुए भी कही। हेलमेट पहनना एक स्टेटस बनाना चाहिए और हेलमेट के बिना हमें मोटरसाइकिल को नहीं चलाना चाहिए। हमारे लिए यह एक सुविधाजनक बात भी है कि अगर कहीं अचानक हम गिर भी जाते हैं तो चोट लगने से हम बच सकते हैं। इसलिए यातायात पुलिस यह अभियान बार बार चला रही है और लोगों को समझाने का काम भी कर रही है, परंतु देखने में यही आया कि हनुमानगढ़ के अंदर लोग अभी भी हेलमेट पहनने को सिरदर्दी मान रहे हैं। जैसे कि उदाहरण सामने आते हैं और बहाने सामने आते हैं, उससे यही लगता है कि लोग हेलमेट को पहनना पसंद नहीं करते हैं। परंतु अगर हमें बचना है, अपनी जान को जोखिम डालने से बचना है, तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात हमें करने से बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यातायात प्रभारी के द्वारा बसों को रोककर भी चेकिंग किया गया और जिन लोगों के बस के अंदर मास्क नहीं लगे थे उन्हें मौके पर मास्क पहनाए गए और ड्राइवर और कंडक्टर को पाबंद भी किया कि आप सभी सवारियों को मास्क, बस के अंदर बैठने के समय आप उनको पाबंद करें कि वे मास्क लगा कर रखें। इसी प्रकार उन्होंने आज अभियान को आगे बढ़ाते हुए जो टेम्पू चालक थे उनको भी रोककर उनको भी समझाया गया और जिन लोगों के मास्क नहीं लगे थे उनके मास्क लगाए गए और ख़ासकर टेम्पू चालकों को भी उन्होंने पाबंद किया कि आप टेम्पू में सवारी बिठाते समय सबसे पहले सभी लोगों के मास्क को चेक किया करें। और उन्होंने इस यातायात अभियान के अंतर्गत जो चेकिंग अभियान चलाया है उसके बारे में क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यातायात शाखा द्वारा आज करनी पेट्रोल पंप हनुमानगढ़ जंक्शन में जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे और COVID-19 जो रूल्स बनाए गए हैं उनकी पालना नहीं कर रहे थे, उनके तहत उनकी कार्रवाई की गई है। यातायात नियमों में जो दुपहिया वाहन चालक है हेलमेट नहीं लगा रखा था, कईयों के पास हेलमेट था और पीछे लगा रखा था और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई है। कईयों को हेलमेट पहनाया गया है और काफ़ी बार पहले भी कहा जा चुका है कि जब आप हेलमेट लेके चलते हैं तो आप पीछे बैठी जो सवारी बैठी है उसको नहीं पकड़ाएँ, खुद लगा कर चलें ताकि आप सेफ़ रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। और आज काफ़ी को समझाइश भी की गई है और आज करीब MVAC के तहत 40 से 50 चालान किए गए हैं यहाँ। और COVID-19 में जो रूल्स बनाए गए हैं, मास्क वाले मास्क भी पहनाए गए हैं। बस जो जा रही है, लोकल की जो बसें हैं, बाहर की बसें हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था उनको मास्क पहनाए गए हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि नो मास्क नो एंट्री,
बस वाहन चालक और कंडक्टर को भी यही निर्देशित किया गया है, बिना मास्क के आप बस में एंट्री नहीं देंगे किसी को, तो इसके तहत कार्रवाई की गई है। 40 से 50 चालान एमवीएक के किए गए हैं, 30 से 35 चालान मास्क के किए गए हैं। एक टेम्पो में चिंदा जी, टेम्पो के अंदर ज़्यादा सवारियां भर के चलते हैं, उसके लिए क्या आपका प्रयास? हाँ बिल्कुल, टेम्पो जो यूनियन का जो अध्यक्ष है उनसे हमारी मीटिंग हुई थी अभी हाल में ही, ज़्यादा लोगों को मैंने बुलाया नहीं था क्योंकि कोविड यो कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए इनको बोला था लिमिट जो सवारी जो आपकी आरसी में स्वीकृत है उतनी सवारियों को आप बिठा कर चले, अन्यथा आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और आज भी हमने टेम्पो वालों के खिलाफ़ एक दो के खिलाफ़ कार्रवाई की है, सवारी ज़्यादा थी और उनमें मास्क नहीं पहने थे, मास्क भी बांटे गए हैं। तो मेरा बार बार यही कहना है कि आपकी जान आपके हाथ में है, आप लोग सभी नियमों की पालना करें, जैसे ट्रैफिक रूल्स की पालना करें, वो आपका जीवन जो है जीवन में बहुत ज़रूरी है। और यहाँ कोरोना वायरस में जो कोविड-19 में रूल्स बनाए गए हैं उसकी भी पालना करें ताकि आप सेफ रह सकें, दोनों ही जीवन से रिलेटेड चीज़ें हैं। कलम न्यूज़ की टीम के द्वारा आज जो यातायात विभाग के द्वारा वाहन चेकिंग का नाका लगाया गया था वहाँ पर रोचक दृश्य भी देखे, कई लोग पुलिस को देखकर वाहन को भगाने के प्रयास में भी रहे और कई लोगों ने अपने वाहन को तेज गति से भगाकर यातायात पुलिस के हाथ में नहीं आए, ऐसे भी दृश्य देखे गए हैं। और कुछ लोग अपनी पहुंच का मोबाइल पर बात कराने के लिए प्रयास भी करते देखे, परंतु हमें यह सोचना चाहिए कि यातायात नियमों की पालना अगर हम स्वयं करेंगे तो अपनी स्वयं की ही नहीं दूसरों की जान भी हम बचाने में भागीदारी बन सकते हैं। इसीलिए कलम न्यूज़ की तरफ से भी यह अपील है कि आप यातायात नियमों की पालन करें, मोटरसाइकिल को बिना हेलमेट लगाए नहीं चलाएं, मास्क का प्रयोग करें और जो यातायात नियमों की पालना के लिए हमारे लिए निर्देश जारी किए हुए हैं अगर हम सभी इन निर्देशों की पालना करने लग जाएँ तो फिर हम यातायात पुलिस के लिए भी सिरदर्दी ज़्यादा खड़ी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमारी अपील है कि आप यातायात नियमों की ज़्यादा से ज़्यादा पालना करें, कोरोना की हिदायतों का पालन करें ताकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कोरोना रोग को फैलने के लिए उसको हम आगे बढ़ने के लिए रोक पाएँ। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।